वेलकम टू इग्नू बड़ी। तो देखिए, अभी अभी रिसेंटली इग्नू की तरफ से सभी इग्नू स्टूडेंट्स के लिए तीन बड़े अपडेट्स पब्लिश किए गए हैं, और ये तीनों ही अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन मैं आपको अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट जो इग्नू की तरफ से आया है वो आया है दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 27 मार्च का आपको स्टेटस शो हो रहा होगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अभी पेंडिंग है। तो जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट पेंडिंग है वो अपना रिज़ल्ट इस पोर्टल पर आकर चेक कर सकते हैं। 27 मार्च को कई सारे स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट किया गया है, तो आप भी अपना रिज़ल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आया है आपका री एवेल्युएशन का, दिसंबर 2023 सेशन का। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था दिसंबर 2023 के लिए, तो उन स्टूडेंट्स का भी एक और अपडेट पब्लिश कर दिया गया है 27 मार्च को ही। तो जो भी स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया है वो भी अपना रिजल्ट यहां पर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट होता है उसको आने में एटलीस्ट 25 से 30 दिन लगते हैं, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि एक महीना लग जाता है रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अपडेट होने में। तो अगर आपका जो रीवैल्यूएशन रिजल्ट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अपडेट होने में एक महीना लग जाता है नॉर्मली। कई बार आपका जो रिजल्ट है वो 15 दिन में ही अपडेट हो जाता है, लेकिन आप मान के चल सकते हो कि 25 से 30 दिन लगते हैं रीवैल्यूएशन रिजल्ट अपडेट होने में। तो ये था दूसरा अपडेट इग्नू की तरफ से जो पब्लिश किया गया है। तीसरा अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, और जिन स्टूडेंट्स का जो असाइनमेंट स्टेटस है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट हो चुका है और असाइनमेंट का जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है, उन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो गए हैं। तो आप भी अपना जो ग्रेड कार्ड है उसको चेक कर लेना, क्योंकि जो ग्रेड कार्ड है यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके मार्क्स होते हैं असाइनमेंट्स के या फिर प्रैक्टिकल के या फिर आपके थ्योरी के, वो यहाँ पर अपडेट होने चाहिए, तभी आपका जो स्टेटस है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद ही आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ग्रेड कार्ड भी चेक करते रहा करो कि आपके जो मार्क्स हैं असाइनमेंट्स के और थ्योरी के वो यहाँ पर अपडेट हुए हैं या नहीं। तो ये तीन बड़े अपडेट इग्नू की तरफ से रिसेंटली पब्लिश किए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।